देश दुनिया प्रदेश का काला दिन था 25 मई 2013। सुकमा से लौट रही कांग्रेसियों की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने बड़ा हमला कर दिया था। आज 11 साल बाद न्यूज 18 के साथ चलिए झीरम घाटी और इस हमले को अपनी आंखों से देखने वाले से जानिए झीरम की कहानी। कैलेंडर पर बदले साल, नहीं बदला जमीन का हाल। जख्म तो भर गया, दर्द अब तक नहीं गया। झीरम चलिए न्यूज 18 के साथ, लहूखोर घाटी 11 साल बाद। ठीक एक दशक और एक साल पहले जिस जमीन पर लगा था लहूखोर होने का दाग, उस जमीन पर कैसे हैं हालात, इसी सवाल के साथ न्यूज 18 ने प्रत्यक्षदर्शी के साथ किया घाटी का सफर। वही लहूखोर घाटी जहां माओवादियों ने खेला था मौत का तांडव। और पूरी दुनिया अब इस खूबसूरत घाटी को खूंखार घाटी के तौर पर जानती है। इन 11 सालों में यहाँ की जमीन से खून के धब्बे मिट गए, लेकिन घाटी के माथे पर कलंक और गहरा हो गया। इन 11 सालों में जख्म तो भर गए, लेकिन दर्द का एहसास और गहरा हो गया। न्यूज 18 की टीम दोबारा उसी घाटी पहुंची। घटना कैसे घटी थी, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है जो प्रत्येक दर्शी थे मलकीत सिंह गैदू, इनसे बात करते हैं। आप लोग सुकमा से कितने बजे पहुंचे थे और घटना किस प्रकार घटी, एक बार फिर हमारे न्यूज 18 के दर्शकों को बताइए। 25 मई 2013 की वो दर्दनाक घटना, परिवर्तन यात्रा जिसे कहा जाता है, यात्रा की शुरुआत हुई थी। उस कड़ी में एक सुकमा की एक परिवर्तन यात्रा थी जिसमें सारे हमारे नेता, सारे हमारे लीडर वहाँ गए हुए थे। इसी रोड से हम लोग जो है गए थे और इसी रोड से हम लोग वापिस आए और यही एक जगह है जहाँ पे घटना घटित हुई थी। क्योंकि परिवर्तन यात्रा 4:15 बजे वहाँ से हम लोग सर्किट हाउस से भोजन कर निकले, निकलने के बाद करीब 4:30-5 बजे की घटना है यहाँ घटित हुई। क्योंकि दो टर्निंग पहले जो है एम्बुश लंबा लगाया हुआ था, एम्बुश लंबे में दो टर्निंग पहले जो है हमारी गाड़ी में फायरिंग हुई, कांच में जब थरथराती कांच से गोलियां घुसी, 2-3 गोलियां घुसी, तो कर्मा जी ने तुरंत कहा कि नक्सलाइट अटैक है, मलकीत गाड़ी भगाओ। तो मैंने गाड़ी भगाई, दो टर्निंग लेके आया, तो यहाँ लाने के बाद जो है यहाँ पे गाड़ी को आधा लगाया हुआ था और उसके आगे विस्फोट हुआ था। 1 किलोमीटर दूर तक खतरनाक एम्बुश लगाए गए, घाट के मोड़ पर यात्रा को ब्लास्ट कर रोका गया, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग। इसके बाद एक एक का नाम पूछ कर उसकी हत्या। 25 मई 2013 झीरम घाटी हमला, इस हमले में कांग्रेस के कई बड़े लीडर शहीद हो गए थे। ये वही इलाका है जहां पर माओवादियों ने खूनी खेल खेला था। आज घटना के पूरे 11 साल हो चुके हैं और इन 11 सालों में जो हालात है, हालात वही है, मंजर काफ़ी दर्दनाक है। यहां पहुंचने वाले जो लोग हैं थोड़ा सहम जाते, रुक जाते, क्योंकि वो घटना काफ़ी विदारक थी। 11 साल पूरे होने के बाद भी इस घटना की सच्चाई आज तक सामने नहीं आई। दरभा की झीरम घाटी में बारूद का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि आगे चल रही बोलेरो जब बारूद की चपेट में आई तो 150 मीटर दूर जा गिरी। इस रास्ते से गुजरने वालों की रूह आज भी कांप जाती है। 25 मई 2013 का जो घटना है आज भी सुनने से दिल दहल जाता है। इस घटना मैंने विश्व का, छत्तीसगढ़ नहीं बस्तर नहीं, विश्व का एक सबसे बड़ा घटना है जो सिविलियंस के साथ और कुछ कांग्रेसी नेता, कुल 33 लोग की हत्या कर दी हुई थी नक्सलियों ने। आज भी इधर से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि आज रुकने का मन करता है कि हमारे नेता सिविलियन जो शहीद हुए थे, दिल दहल जाता है। इसलिए हम रुक के थोड़ा बहुत देखते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। रोड से पहला ब्लास्ट जो हुआ था बुलेरो का, प्रत्यक्षदर्शी को जो कहना है, वो 300 मीटर दूर एक बुलेरो का सिपाहियों का गाड़ी था, फॉलो गार्ड का, 300 मीटर दूर आके एक नाले में आके गिरा है। आज भी देख सकते हैं इसका अवशेष। इस हमले के बाद शुरू हुआ जांच का खेल, आयोग का गठन, अदालतों की चौखट, इस सरकार और उस सरकार के आरोप। लेकिन न सच सामने आया, न चेहरे साफ हुए, न जिम्मेदारों का पता चला। क्या पर्दे के उस पार वाले। नक्सलाइट किसी घटना को अंजाम देते हैं तो उसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, उसका वीडियो जारी करते हैं,
तो जैसे 2013 में घटना के बाद 3 महीने के बाद चुनाव हुआ, फिर भाजपा की सरकार आ गई। मतलब सुबह शुरू से कहता हूँ कि सुपारी किलिंग है, भाजपा इस षड्यंत्र में शामिल है। क्यों नहीं जारी हुआ विज्ञप्ति, क्यों नहीं अभी तक वीडियो जारी हुआ? सरकारें भले ही बदलती रही हों, नहीं बदला तो सरकारों का सुर, जिसमें सच सामने लाने से ज्यादा सियासत का शोर रहा। अब डेप्यूटी सीएम को भी सुन लीजिए। नहीं, मैंने सुना था उनका पुराना बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार के पूर्व उन्होंने कहा था कि झीरम घाटी की जांच डॉक्टर रमन साहब की सरकार उसमें नहीं करा रही। तो माने भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मेरे जेब में है, मुझे ध्यान था, तो फिर पूरी सरकार भी निकल गई, लेकिन वो नहीं निकला जेब से। तो मैं सोचा कि एक बार जेब में अगर होगा तो देखा जाए, टटोल लिया जाए। मैं उन्हीं से आग्रह कर रहा हूँ भाई, उन्हें वरिष्ठ है, वो स्वयं टटोल के देख रहे, होगा तो बता दें। इन दावेवादों के बीच अपने माथे पर कलंक ढो रही ये लहूखोर घाटी की जाति, ये सच सामने आए इसके माथे का दाग मिट जाए, इसके माथे से मिट जाए माओवाद का कलंक, इसके माथे से मिट जाए जिंदगियों को छीन लेने का कलंक। पर ऐसा लगता है कि मानो झीरम घाटी खुद कह रही हो, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18, झीरम घाटी, दरभा।